नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नित्य पुल्लिंग शब्द और नित्य स्त्रीलिंग शब्द। ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द में अंतर तो देखते हैं हम। सबसे पहले नित्य पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जो सदा पुल्लिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, वे नित्य पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे तोता, बिच्छू, मच्छर, कीड़ा, चीता, कौवा, भेड़िया, उल्लू, पशु, पक्षी, खरगोश, खटमल, गेंडा आदि। दोस्तों, ये जो शब्द मैंने अभी बोले हैं ये हमेशा नित्य पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे हम तोता, तो तोता का जो स्त्रीलिंग शब्द है हम उसे तोती नहीं कह रहे कहेंगे, या फिर बिच्छू का बिच्छी नहीं कहेंगे, मच्छर की जो स्त्री जाति होगी उसको मछली नहीं कहेंगे, कीड़ा कीड़ा को कीड़ी नहीं कहेंगे, चीता को चीती नहीं कहेंगे। तो ये हमेशा सदा कैसे होते हैं दोस्तों, नित्य पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। अगर हम इनको स्त्रीलिंग में ढालेंगे तो हंसी सी आ जाएगी, जैसे गेंडा को गेंडी, तो ये क्या लगेंगे दोस्तों, अजीब से लगेंगे। अब बताया दोस्तों आपका नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जो शब्द होते हैं दोस्तों वे सदा ही स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे गिलहरी, छिपकली, मछली, लोमड़ी, तितली, चील, कोयल, दीमक, मकड़ी, मैना आदि। ये जितने भी शब्द हैं ये क्या कहें दोस्तों, नित्य स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ये सदा ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, ये कभी पुल्लिंग नहीं होते हैं। अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो इस प्रकार नहीं, जैसे गिलहरी का गिलहरा, छिपकली का छिपकला, मछली का मछला, लोमड़ी का लोमड़ा, या फिर चील का चीला, मैना का मैनी, ये तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएंगे। तो ये सदा ही कैसे रहते हैं, स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं। तो अब देखते हैं इनको परिवर्तन करने का उपाय। नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके साथ नर या मादा जोड़ा जाता है। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, जो नित्य स्त्रीलिंग और नित्य नित्य मतलब कहता है दोस्तों हमेशा, जो हमेशा से ही स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो हमेशा ही पुल्लिंग शब्द हैं, उनका जब आप लिंग बदलते हो तो उनके साथ नर या मादा जोड़ा जाता है। जैसे कि नर खरगोश, मादा खरगोश, नर चीता, मादा चीता। देखिए, नर तोता, मादा तोता, नर बिच्छू, मादा बिच्छू, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर छिपकली, मादा छिपकली। धन्यवाद दोस्तों।